आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज बात करते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल एसआई की एग्जाम डेट दोस्तों घोषित कर देगी दोस्तों, तो उसकी एग्जाम कब होगी, उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सारी डिटेल मैं आज आपको बता दूं दोस्तों। दोस्तों सीआरपीएफ की जो एग्जाम डेट है दोस्तों उसके बारे में आपको फुल डिटेल बता रहा हूँ, आपको क्या क्या ले जाना है एडमिट कार्ड के साथ, एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाए, वो सारी डिटेल हम बताते हैं। यूट्यूब चैनल पे दोस्तों नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी न्यूज पाने के लिए भी दोस्तों बेल आइकन ऑन कर दे ताकि जब भी आपको न्यूज आए तो आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम की। दोस्तों इसमें जो वैकेंसी थी 789 वैकेंसी, इसकी जो फॉरम आई थी दोस्तों वो जून जुलाई में आए थे दोस्तों, 2020 में आए थे। अब इसकी एग्जाम डेट दोस्तों घोषित कर देगी दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ की एसआई की एग्जाम। अब देखो इसके जो आपको फिजिकल हुए थे दोस्तों, फिजिकल इस पीरियड में हुए थे 14 दिसंबर 2020 और 22 जनवरी 2021 तक हुए थे इसके टोटल जो इसके फिजिकल थे। जो फिजिकल जिन्होंने कंडक्ट किया तो उनके लिए अब दोस्तों सीबीटी यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, उसके लिए इसमें सभी पोस्ट हैं ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ इंस्पेक्टर डिटेंशन सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स रेडियोग्राफर की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोस्तों पैरामेडिकल फार्मेसिस्ट की दोस्तों और फिजियोथेरेपिस्ट की है और डेंटल टेक्निकल की है, लेबोरेटरी टेक्निकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर की है, टेक्नीशियन की है, हेड कॉन्स्टेबल फिजियोथेरेपी की है, असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल है दोस्तों, ये सभी जो पोस्ट है दोस्तों डायलिसिस टेक्निकल की भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेवार्ड की, वेटनरी की और लैब टेक्निकल की, ये सभी जो वैकेंसी है दोस्तों इसकी जो एग्जाम है दोस्तों वो की जाएगी 22 जून 2023 को। दोस्तों डेट याद कर लेना 22 जून 2023 को इसकी एग्जाम होगी दोस्तों। इसकी आपको बता दूं फुल डेट, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे दोस्तों, इसके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे दोस्तों 10 जून को इसके आपके एडमिट कार्ड 10 जून से आप वेबसाइट पे सीआरपीएफ की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और डिटेल हम आपको बता देंगे दोस्तों फुल डिटेल, वहां से आपके रोल नंबर आ जाए, जो आपके रोल नंबर भी आ जाएंगे वहां एडमिट कार्ड एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन नंबर की आप आराम से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपके पास कैंडिडेट विल बी कैरी टू कलर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, आपके पास जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपके पास दो एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, वो भी कलरफुल होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप ब्लैक एंड व्हाइट ले गए, आपकी कलरफुल कॉपी होनी चाहिए। दूसरी बात, टू रिसेंट फोटोग्राफी एंड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपके पास अभी ताजा यानी कि आपकी ज्यादा नहीं दोस्तों 3-4 महीने पुरानी फोटो होनी चाहिए आपके पास, ये और ये कि आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस हो ठीक है, आपका नाम हो, आपके पापा का नाम हो, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो ठीक है, वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है दोस्तों ये।